अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कोई हमारे पास जेपीजी फाइल है या पीडीएफ या पिक्चर है कोई, हम उसको वर्ड की फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल पाकिस्तान जॉब सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑनलाइन तरीका है और एक हमारे पास ऑफलाइन तरीका है। यहाँ मैं आपके साथ दोनों ही तरीके शेयर करूंगा कि आप इसको कैसे वर्ड में कन्वर्ट कर सकती हैं। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास आपने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जेपीजी टू वर्ड है, यहाँ पे पहली ही वेबसाइट है, और भी वेबसाइट दी गई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पहली ही वेबसाइट है, मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पे नीचे मेरे पास कन्वर्ट है, जेपीजी कन्वर्ट है, यानी कि इमेज की कोई भी फाइल होगी आप यहाँ से चॉइस फाइल करें, इमेज की फाइल दें और वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह हम यहाँ पे पीडीएफ लिख देते हैं, जैसे कि मेरे पास पीडीएफ फॉर टू वर्ल्ड है, इस पर हम लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे पहली वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये अपलोड पीडीएफ कहेगा, तो यहाँ पे हमने अपलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ की फाइल पड़ी हुई है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट होगी तो कुछ देर बाद यहाँ पे लेट गेट स्टार्ट की ऑप्शन आएगी, मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। तो ये कुछ देर बाद मेरे पास ऑप्शन दे देगा लॉगिन वगैरह का, या इस तरह की कोई ऑप्शन दे देगा, आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखें, ये पीडीएफ वर्ड तो कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट के ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डॉक की फाइल मांगेगा मुझसे, यानी कि ये वाली जो फाइल है ये पुरानी है डॉक की, ये डॉक्स की फाइल नए वर्जन में, यानी कि 2010 11 12 के जो फाइल है वो डॉक्स की फाइल में कन्वर्ट होती है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही ये डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास यूजर नेम पूछेगा, यानी कि आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड का अकाउंट क्रिएट कर लें, फ्री अकाउंट है आप इसमें क्रिएट कर लेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। मगर हमने यहाँ पे ऑफलाइन तरीका एक देखना है कि ऑफलाइन हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा तरीका है जिससे हम ऑफलाइन में जेपीजी की, और यानी कि कोई पिक्चर है हमारे पास, और पीडीएफ की फाइल को कैसे हम वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है ए बी फाइंड रीडर, ये देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ए बी फाइंड रीडर मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे स्कैन करके, यानी कि आप स्कैनर से डायरेक्ट भी स्कैन करेंगे तो वो भी आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें। आप जस्ट इसको ओपन करें, ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ की वही फाइल है, कोई भी आप ये दोनों तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं पहले ही फाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये फाइल ओपन होते ही यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जितनी ही लंबी फाइल हो, यानी कि आपके पास पीडीएफ में, ऑनलाइन में आपको ये होता है कि आपको एक एक फाइल देनी पड़ती है, मगर यहाँ पे आपके पास 10 भी फाइलें हैं तो आप 10 फाइलें देंगे तो 10 की 10 एक कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सेंड, इस पर क्लिक करेंगे, सेंड टू वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड टू वर्ल्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ देर बाद मेरे पास सारी फाइल जो है वो वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गई है। इसको हम कोई भी चेंजिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें मैंने आपके सामने चेंजिंग की है, तो ये चेंज भी हो सकती है। आप इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और भी लेके जा सकते हैं, या जिस तरह आप यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि पिक्चर की या आप पीडीएफ की फाइल को किस तरह वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके रेलेवेंट आपको फिर भी कोई मसला आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा।